ये यहाँ तो नहीं दिखेगा, नहीं यहाँ से करेंगे बाल के अंदर से। थ्रेड लिफ्ट करो, थ्रेड लिफ्ट नहीं सूचर्स डालेंगे हम। हाँ। लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रहता, मतलब देखो जो भी हम हड्डी में नहीं करते हैं ना उसका लाइफ थोड़ा कम रहता है। ये अगर हमने हड्डी में किया तो पूरा लाइफ रहेगा, ये भी अगर मैंने यहाँ पे थोड़ा हड्डी लगाया तो पूरा लाइफ लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं हड्डी नहीं लगाऊंगा तो क्या करूँगा, ये मसल्स को मतलब यहाँ से एक छोटा सा लाइन होगा उसके अंदर से जाके यहाँ से खींच के ऐसा टाइट करेंगे, तो वो थोड़े दिनों में थोड़ा लूज हो सकता है, परमानेंट नहीं है। सम पेशेंट्स 5 ईयर्स, सम पेशेंट्स और थोड़ा ज़्यादा टाइम, लेकिन परमानेंट नहीं है। मतलब कितने ईयर्स निकाल देगा? बोल नहीं सकते, 5-10 साल तो पूरा रह सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट मतलब फिलर तो एकदम टेम्पररी है, ये दोनों के बीच में है। समझ में आ गया ना आपको? फिलर तो बस फ्यू महीने के लिए काम करती है, ये जो बोनी प्रोसीजर है लाइफ लॉन्ग, ये बीच में फ्यू ईयर्स समझो। मुझे ये नहीं करवाना, मुझे सिर्फ ये यहाँ से कैसे करवाना? वहाँ से अकेला किया तो अच्छा नहीं लगेगा आपका नाक, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके मिरर में, चलोगे? आप पूरा उतारोगे? पूरा नहीं उतारेंगे नहीं पूरा नहीं उतारेंगे ना, क्यों पूरा उतारना, आपको जरूरत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, देखो आपको ये ऊपर आना है ना, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा हाइट होगा, नहीं तो ये डिप्रेशन ज़्यादा है आपका, यहाँ से स्टार्ट होके आना चाहिए तब सूट होगा नोज अच्छी तरह से। सिर्फ अगर मैंने इसको उठाया ना तो आपका नोज का लेंथ कम हो जाएगा, देखो आप, तो आपका फोरहेड भी बड़ा है तो नोज का लेंथ छोटा हो गया तो सूट नहीं करेगा, तो नोज को प्रोपोर्शनेट रहना ही चाहिए। सो वी हैव टू ऑगमेंट, यहाँ पे भी यहाँ से इंक्रीज करके इसको ऐसे करना है तब होगा अच्छा, तो दोनों होना चाहिए। बिकॉज आपने फिलर्स कराई है ना अभी, कोई बात नहीं कुछ टाइम बात कर लेंगे। हाँ आईलिड मत कराओ, बाकी सब मैं कर सकता हूँ इजी टाइम पे। चिन का भी हो जाएगा। ये आपने फिलर्स लगा के कितना टाइम हो गया अभी? 6 मंथ। ये तो ये रह गया बस, ये थोड़ा सा फील हो रहा है, इधर तो दिए ही नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो प्रॉब्लम जैसे ये होती ना इतनी ऐसे दो लाइन आती है। आपको अभी ये देखो कैसा बेंड है, ऐसे कि दो सी की तरह। हाँ। उसको हम ऐसा करेंगे पूरा। हाँ। एकदम स्ट्रेट आएगा यहाँ से अच्छी तरह से ऐसे। हाँ। वो हो जाएगा, मतलब जैसे ये अंदर का ना ये नहीं शो होना चाहिए। हाँ। पूरा ऐसे और ये थोड़ा प्रोजेक्शन भी इंक्रीज होगा इसका। आपने लोअर लिप में भी फिलर लगाई थोड़ी सी? थोड़ा, और यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा लगा, कम था ज़्यादा। ठीक है, तो फिर ये करेंगे, ये दोनों करेंगे और नोज करेंगे। ठीक है ना, चलो नोज के लिए मुझे रिप की जरूरत पड़ेगा, हार्वेस्टिंग मेरा। हाँ थोड़ा सा रिप नहीं चाहिए, रिप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे इसको मटेरियल चाहिए ना मुझे ऑल्ट्रेशन करने के लिए, हड्डी लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो स्टिचेस लगा नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता आपको वहाँ पे, किसी को भी दिखेगा नहीं, बिल्कुल स्कार है रहेगा ही नहीं। जैसे कि ब्रेस्ट सर्जरीज होते हैं वैसे होता है सर, आपका इंसिशन दिखता नहीं है किसी को बाद में, आपको खुद नहीं दिखेगा। कोई उससे मतलब प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं होगी, बस उसके लिए आपको 1 महीना एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, बस ऐसा प्रिकॉशंस है। मतलब ये करवाने के बाद 1 मंथ बाद तो एक्सरसाइज? 1 मंथ तो वैसे ही आपको रेस्ट लेना है, राइनोप्लास्टी जीनियोप्लास्टी करने के बाद वगैरह तो कर वो कर सकती हैं, बट फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना है, स्विमिंग शायद अवॉइड करना है, ऐसे एक्टिविटीज थोड़ा कम करना है, बाकी तो ठीक है। और आपको कब करानी है सर्जरीज? तो अच्छा, तो फिर आज हम क्या करते हैं, स्कैन ले लेते हैं, पूरा प्लान कर लेते हैं कि आपको क्या क्या कैसे क्या क्या कब होगा, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट कल के लिए दे देंगे। कल के? तो आप कल ब्रेकफास्ट खा लो और फिर यहाँ पे 10 o'clock आ जाओ। ब्रेकफास्ट करके करके आना है, शाम को होगा कल, कल सवेरे नहीं हो पाएगा, शाम को हो पाएगा कल। जैसे ये है ना एकदम ऐसे आने चाहिए। हाँ कर देंगे, तो ये फोटो हमको दे दीजिए, ये एंगल मैं समझ रहा हूँ, तो ऐसे करेंगे। और नाक, नाक भी देखो इनका कैसा है, यहीं से स्टार्ट होके आ रहा है। और ये हाइट है, ये जो आप बता रही है वो करेक्ट है,
जो आपका एक रिक्वेस्ट है वो एकदम सही है, लेकिन वो रिलेटेड है इससे, नहीं तो क्या होता है ऐसे नीचे से आके एकदम से ऊपर जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब यहाँ पे हमने इंक्रीज किया तो यहाँ पे भी थोड़ा इंक्रीज करना है, तभी तो स्लोप जेंटल होगा ना, आप समझ रही हैं। नहीं तो मैं सिर्फ टिप को ऊपर लेके आ गया और फिर आगे से लेके नहीं आया तो फिर वो आपको एक स्टेप की तरह लगेगी नज़र, वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ से नीचे को टाइट हो जाएगी, हाँ टाइट हो जाएगा। वो कैसे टाइट होगा ना, बिकॉज हम यहाँ पे सर्जरी करेंगे हड्डी में, तो ये पूरा खींच के टाइट हो जाएगा, वो सब निकल जाएगा। मैं आपको एक एक पेशेंट का फोटो, एक मिनट मैं आपको एक फोटो, वीडियो मत वायरल करना, सब देखते हैं मेरे रिलेटिव। अरे यार सुनो, एक मिनट मैं आपको, ये आपको कितना रिजल्ट आएगा मैं आपको उसको दिखाता हूँ सैंपल, जो अभी अभी इसने भेजा है। ऐसे आई थी, इन्होंने मेरे पिक्चर्स भेजे दो दिन पहले, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हुआ है। आप देखो टाइटनेस, तो यहाँ के टाइटनेस, ये नोज़ का शेप, इनका तो फिलहाल इम्प्रूवमेंट बहुत है, बिकॉज़ ये जो क्या बोलते हैं शेप काफ़ी सही नहीं था, लेकिन ये मॉडल पे आपका होगा फाइनल, आपको ऑलमोस्ट ऑलरेडी इसका और इसके बीच में है, बिकॉज यहाँ पे बस थोड़ा होना है अंदर, यही थोड़ा एंगल आना है, ये थोड़ा बढ़ना है। नोज भी मतलब इतना नहीं है इम्पोर्ट, मतलब इतना इम्पोर्ट चीजेस नहीं है। आपकी जिससे एक और लड़की थी ना बात कर रही थी, उसका फेस ऐसा था, किनसे तो उसको आना था आज ईशिका को, मैंने हाँ। ना उसका फेस करेक्ट 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 करेक्ट, आपके फ्रेंड हो रहे हैं हाँ, उसको फिर आप नहीं आए कोई, वो कहती पहले तुम्हारा रिजल्ट देखे हमें डर लग रहा है, फिर तुम ही लेना अपॉइंटमेंट तब जाएंगे हम, उसको आ जाना था। और 22 को तो हमने टिकट भी करा ली थी, 30,000 वेस्ट। अरे 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 अरे, फिर आपने एकदम से कैंसिल कर दी ये फरवरी वाली, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। हाँ अब उसको काम था उसके, अरे अरे सॉरी मेरे को जल्दी से बाहर जाना पड़ा अर्जेंटली, तो इसीलिए अभी एक दिन पहले मैंने टिकट कराई, अगले दिन ही मैसेज आ गया कि डॉक्टर नहीं अवेलेबल है। अरे 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 सॉरी, तो अभी तो मैं आपका प्लान लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको स्कैन लेना है तब मैं कंफर्म करूंगा प्लान। मैंने पेमेंट कर दिया है। हाँ नहीं नहीं मुझे, लेकिन मुझे स्कैन देखना है। हाँ हाँ मतलब ये आईलिड का कितने टाइम में कर सकते? आइडियली फिलर डालने के बाद 9 मंथ्स टू 1 ईयर वेट करना पड़ेगा आफ्टर फिलर। नहीं कर सकते जैसे मेरी, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है आईब्रो लिफ्ट, जैसे आईब्रो लिफ्ट करोगे और ये जो नहीं वो मत कराओ, बहुत कम तो है जरूरत नहीं है ना। ठीक है आई ये करोगे ना लिफ्ट से ये थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। टुमारो इवनिंग इनको दे दो अभी अपॉइंटमेंट, आज नहीं हो सकता नहीं मैडम जी, कल ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट सब मैं नहीं था ना सम डेज, तो सबको अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स भी थी, तो वो भी थोड़ा वो टाइट हुआ है और कुछ नहीं। कल इवनिंग में कितने बजे? अराउंड 4 o'clock, बिकॉज आप 8 o'clock 9 o'clock ब्रेकफास्ट खाएंगी तो 8 hours फास्टिंग चाहिए हमें, अराउंड दैट सब कुछ रेडी हो जाएगा। नहीं 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 अभी आपका ही है, अभी आप यू हैव योर नॉर्मल डाइट। यहाँ पे है ना ये होटल, इसमें रुके थे, नो प्रॉब्लम, तुम वहीं पे स्टे करो आज भी, कल डायरेक्टली यहाँ पे 10 बजे आना ब्रेकफास्ट खा के। आज जाने से पहले आपका स्कैन हो जाएगा, ब्लड टेस्ट हो जाएगा, और हमारे एग्जीक्यूटिव से पेमेंट के बारे में भी बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ये दे देंगी तो सब कुछ रेडी हो जाएगा। फिर आप बताइए आप कितना, वो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने आपसे मैसेज, उनसे बात कीजिए आप। हाँ चलो, तो अभी आप ये करोगे और थोड़ा ये जीनियोप्लास्टी, ये जॉ स्कल्पिंग, एंगल ऑस्टियोप्लास्टी इसका, ठीक है दोनों, बकल पैट फैट, यहाँ का थोड़ा फैट निकालेंगे ताकि ये अंदर जाएगा दोनों साइड, बायलैटरल आईब्रो लिफ्ट ये ऊपर जाएगा दोनों साइड, और राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी में ये टिप होगा, ये होगा शेप थोड़ा नैरो होगा, और रिप से, और बकल पैड जैसे ये यहाँ पे इक्वल है मेरा फेस है ना, थोड़ा सा अंदर जाएगा तो अच्छा रहेगा, होना चाहिए होगा। ठीक है तो आप अभी स्कैन करा लीजिए, वापस कल भी बात कर सकते हैं बिफोर सर्जरी एक और बार, क्योंकि तब तक मेरे पास स्कैन भी इंफॉर्मेशन रहेगा, अभी स्कैन का इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं, अभी हाँ तो
आज अभी स्कैन करा लीजिए, लेकिन आप जा सकते हैं क्योंकि मैं सर्जरी में चला जाऊंगा, फिर 3-4 घंटा लग जाएगा मेरे को सर्जरी करते करते, तो आप आपका टाइम वेस्ट होगा। आज कन्याकुमारी कहीं जाओ, घूमो, देख लीजिए जगह। नहीं सच, फ्रेंड तो कह रही थी तू मुझे ऐसे लेके आई है। अच्छा आपकी फ्रेंड आई है? वो दूसरी है, वो वैसे लाइन केयर टेकर के लिए। हाँ। वो कहती तू वहाँ चली जाएगी, मैं अकेली कैसे घूमूंगी, कह रही मुझे घूमना था यहाँ। हाँ तो आज लेके चले जाओ, नहीं कल भी अकेला जा सकती है, क्या है घूमने में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना, वो भी फर्स्ट टाइम आई है। हाँ नहीं नहीं तो वही बेटर है, दो वेटिंग में है कि मैं जैसे ही करा के आती हूँ मेरा रिजल्ट देख के फिर वो आएंगी, तो एक का तो पूरा फेस है फिर देखा था। ठीक है तो फिर आपको इनका कोविड सर्टिफिकेट भी ले लेना, कोविड सर्टिफिकेट हाँ, दे देना दे और स्कैन करवा लो, ब्लड टेस्ट सब कुछ रेडी करो। घंटे की सर्जरी होती है आपको लगेगा 5 आवर्स है? हाँ कितना करना है, हर एक चीज़ धीरे धीरे होता है ना, 5 आवर्स तो लगेगा। कितने दिन मुझे? 7 से 10 दिन। आपने कब किया रिटर्न टिकट? अभी तो नहीं किया। तो मत कराओ सर्जरी, अगर कल शाम को होता है तो कल हो गया ऑलरेडी 4th, तो आप 14 को कराओ। 7 डेज बोला था आपने पहले, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, काफ़ी करना है ना अभी यहाँ पे तो वो तो एक ही बार में हो जाएगी। एक ही बार में होगा, लेकिन देखो जब बहुत जगह पे सर्जरी होता है तो 1-2 दिन ज़्यादा आप ठहरे तो आपके लिए बेटर है। एक प्रोसीजर के लिए हम सोचते हैं ऐसे, जब ज़्यादा प्रोसीजर होता है ना 1-2 दिन, और बहुत दूर से आई हैं आप, बैंगलोर पास में कहीं, चेन्नई चलेगा फिर भी, हरियाणा से, तो मतलब बेटर है कि आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा ठहर जाओ। ठीक है ना, 10 डेज पकड़ के चलते हैं, अगर 9 डेज में हो गया तो 1 दिन ऐसे ही रह लो आराम से, आप थोड़ा घूम भी सकते हो उसके बाद भी अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो, क्योंकि ना हीलिंग के लिए रहने का यही है। हाँ मिनिमम 5-7 डेज आप हमारे साथ रहेंगी, उसके बाद जब सब नॉर्मल हो गया तो बोलेंगे आप होटल में रह के हमको दिखा के जाओ टाइप्स। हाँ भेजो के पास भेजो।